या एक्साइटेड फॉर द फिल्म, ट्रेलर देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो हाँ देखेंगे क्या है। नो, इतना एक्साइटेड नहीं है, बाकी देख लेंगे आएगी तो। सो डू यू नो सर्विरा किस फिल्म का रीमेक है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। डू यू थिंक सर्विरा भी नेशनल अवार्ड जीत पाएगी? आई डोंट थिंक सो। जो रीमेक करके बनाते हैं उनको ऐसे अवार्ड ऐसे मिलते हैं नहीं इंडिया में, दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, सो आई डोंट थिंक मिल पाएगा करके। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे जीते, मुश्किल लगता है थोड़ा कहने में, क्योंकि वो जो रीमेक बना रहे हैं तो रीमेक में मुश्किल लगता है ये थोड़ा। भी लोग देखकर भी काफ़ी थक चुके हैं अक्षय कुमार को वैसे ही। ट्रेलर देख करके आप फिल्म को कितने स्टार दोगे? 7.5 7 7 और 8 6 5। तो अक्षय कुमार की फिल्म सरफिराज जल्दी रिलीज होने वाली है और हम आ चुके हैं लोगों के बीच उनसे पूछने के लिए कि वो इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। सो लेट्स गो। ओके सर, तो अक्षय कुमार की सरफिराज जल्दी रिलीज होने वाली है, सो आर यू एक्साइटेड फॉर द फिल्म? या एक्साइटेड फॉर द फिल्म, ट्रेलर देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो हाँ देखेंगे क्या है। हाँ, देखने में तो लग रहा है कि अच्छी होगी शायद। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल एक्साइटेड है। आजकल तो मुझे मूवी देखने का भी बहुत शौक है, मेरे कजिन्स वगैरह उनको बहुत शौक है, खींच के ले चलते हैं। नो, इतना एक्साइटेड नहीं है, बाकी देख लेंगे आएगी तो। सर आप? बिल्कुल एक्साइटेड हैं, अक्षय कुमार इज माई फेवरेट, बट अभी देखते हैं कैसा क्या है। तो सर, जैसे कि अक्षय कुमार की पास फिल्मों की बात की जाए तो वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, डू यू थिंक सरफिरा का भी कुछ यही हाल होगा? शायद यही होगा कि अभी लोग देखकर भी काफ़ी थक चुके अक्षय कुमार को वैसे ही इंस्पिरेशनल और ऑटोबायोग्राफीज कर करके, तो आई डोंट थिंक कि पीपल विल अप्रिशिएट दिस मूवी एज मच एज दे शुड। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि क्या हाल होगा, बट हाँ इनकी एक्टिंग भी अच्छी है और ये कॉन्टेंट जो ट्रेलर में देखा है वो भी अच्छा है, तो हो सकता है अच्छी होए। आई थिंक सो, बिकॉज इवन रिसेंटली छोटे मियाँ बड़े मियाँ हम देख रहे थे, ऑल्दो एंटरटेनमेंट वैल्यू है बट इट डिडंट बिकम अ बिग हिट, काफ़ी पैसा उस पर भी लगा गया, बट लुकिंग एट दिस मूवी आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी दैन द वंस ही हैज़ डन प्रीवियसली, सो होप्स तो अच्छे हैं, हाई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता मेरे को, तो नहीं लगता ऐसा। आप देखो सर क्या होता है क्या नहीं, अभी आने के बाद ही पता चलेगा, और हो सकता है गेम चेंजर हो, क्योंकि पहले जो साउथ रीमेक मूवी है इसकी वो बढ़िया नेशनल अवार्ड जीत के गई है, तो देखो अभी क्या होता है। सो डू यू नो सरफिरा किस फिल्म का रीमेक है? नहीं, सरफिरा का रीमेक का तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, बट ये जो ट्रेलर देखा है मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे, इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि शायद पिक्चर चलेगी। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। किसकी? साउथ में है, मुझे पता है सुरराई पोत्रू की है वो रीमेक। सुरराई? तो सर ऐसा है कि सुरराई पोत्रू के जो डायरेक्टर है वही सरफिरा के डायरेक्टर है, तो डू यू थिंक सरफिरा भी नेशनल अवार्ड जीत पाएगी? आई डोंट थिंक सो। व्हाई सर? सी, बिकॉज हॉलीडे वाज आल्सो अ रीमेक एंड उसके मूवीज़ ने भी काफ़ी अवार्ड जीते थे, बट जो रीमेक करके बनाते हैं उनको ऐसे अवार्ड ऐसा मिलते हैं नहीं इंडिया में, दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, सो आई डोंट थिंक मिल पाएगा करके। हो सकता है क्या, अक्षय कुमार बहुत पुराना एक्टर है अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री का और मेरे को लगता है कि जीत सकती है, अगर कॉन्टेंट अच्छा होगा और एक्टिंग तो अच्छी है ही, तो हो सकता है जीते। अगर उस मूवी को भी नेशनल अवार्ड मिला है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ टफ जॉब टू रिक्रिएट द सेम ऑरा, बट गिवन कि स्टार अक्षय कुमार है आई थिंक इट्स पॉसिबल, लाइक देयर इज अ रूम फॉर दैट एज वेल। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे जीते, मुश्किल लगता है थोड़ा कहने में, क्योंकि वो जो रीमेक बना रहे हैं तो रीमेक में मुश्किल लगता है ये थोड़ा कि नेशनल अवार्ड जीत पाएगी, बहुत कम चांसेस हैं, और क्या पता हो सकता है बढ़िया जिस हिसाब से पब्लिक जाएगी उसमें। तो ट्रेलर देख करके आप फिल्म को कितने स्टार दोगे? मैं अभी तो ट्रेलर देख के 7.5 दूंगा, बट पिक्चर देखने के बाद ही पता लगेगा। आई थिंक ट्रेलर से तो मैं भी 7 7 और 8 दे सकता हूँ, इट्स एन अंडरडॉग स्टोरी आफ्टर ऑल, हु डजंट वांट दैट पर्सन टू विन, राइट? 6 आप? 5 तो जैसा कि आपने देखा कि लोग कहीं कहीं एक्साइटेड है और कहीं कहीं नहीं भी है, बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।